टॉपिक होगा हमारा एमएस ऑफिस वर्ड में फोर लाइन नोटबुक कैसे तैयार करें। जैसे इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा था नोटबुक पे, जिसमें बताया था वन लाइन, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक जो होगा उसमें फोर लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, और फोर लाइन टाइप करने के बाद, ऐड करने के बाद उसमें हम मैटर टाइप कैसे करेंगे, ये चीज़ें सीखेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे वेबसाइट पे ज्वाइन नहीं है, ऐप हमारा अगर आप इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं, तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट www.nictcomputers.com पे जाइए। वहाँ से आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, और यहाँ पे आपके ढेर सारे वीडियोस, नोट्स, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ से ज्वाइन करके कोर्स को अपडेट कर सकते हैं, नोट्स अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाकर, यहाँ पे प्ले स्टोर बटन पे क्लिक करके आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में ऑनलाइन टेक्स्ट, फ्री में आपको कंप्यूटर नोट्स, फ्री में आपको कंप्यूटर कोर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप ज्वाइन करके उसे तैयारी कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मुझे क्या करना है, फोर लाइन नोट पेज तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। पहला काम, आपको होम टैब पे जाना है, व्यू टैब पे जाना है। व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ मिल जाएगा आपको ग्रिड लाइन, आपको ग्रिड लाइन पे जाना है। ग्रिड लाइन पे जाने के बाद आपको अपने पेज पर ग्रिड लाइन मंगा लेना है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे, और यहाँ मिल जाएगा सैप्स। सैप्स पे आपको लाइन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ से लाइन को क्रिएट कर लेना है, ऐसे ट्रैक कर लेना है। और भी शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट होल्ड करके आप लाइन खींचेंगे। इतना करने के बाद आप इसे कोई भी एक कलर दे दीजिएगा, हमने दे दिया रेड। फिर डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करिएगा, और नीचे की तरफ ट्रैक कर लीजिएगा, सीधी लाइन खिंचाएगी। फिर कंट्रोल शिफ्ट ट्रैक, फिर कंट्रोल शिफ्ट और ट्रैक। बीच की जो दो लाइन है इसकी कलर हम चेंज करेंगे, दूसरा कोई शिफ्ट को सेलेक्ट करके दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आउटलाइन में जाने के बाद यहाँ से कलर कर दीजिएगा चेंज। इतना करने के बाद अब आपको जाना है इंसर्ट टैब पे, और यहाँ ले लेना आपको एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके ऐसे आप ऐसे ट्रैक कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग करने के लिए इस पर राइट बटन प्रेस करेंगे, या चले जाएंगे आप फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स पर। यहाँ पे आने के बाद टफ मार्जिन 0, ए भी 0, टैप लेफ्ट अप डाउन सा आप 0 करेंगे। 0 करने के बाद यहाँ मिल जाएगा वर्ड रैप टेक्स्ट इन ऑटो सैप, इस पर अनचेक करेंगे और कर देंगे ओके। ठीक है, ओके करने के बाद देखिएगा ये छोटा सा हो जाएगा, इसको फिर ट्रैक कर लेना है अपने पूरे यहाँ तक, यहाँ तक। इतना करने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे होम टैब पे, और होम टैब पे मिल जाएगा सेलेक्ट, यहाँ मिल जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे को हम सिलेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। सिलेक्शन करने के बाद हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए फॉर्मेट पे जाना होगा, और यहाँ कर लीजिएगा ग्रुप, ऐड हो गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे पूरे पेज पे, तो कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करिएगा और ड्रैग कर लीजिएगा इस तरीके से, देखिएगा ठीक। फिर कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग, इस तरीके से पूरे पेज पे आप ऐसे ट्रैक कर लेंगे ऐसे, दो लाइन को छोड़ के आपको ऐसे ट्रैक कर लेना है, ठीक है, पूरे पेज पर। ये देखिए इस तरीके से सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रिड लाइन को रिमूव करना है। ग्रिड लाइन रिमूव करने के लिए आपको व्यू टैब पे जाना है, और यहाँ पे कर देना है अनचेक। तो ग्रिड लाइन देखिए हट गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन करना होगा, और स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए एक ऑप्शंस होता है, देखिएगा इस ऑप्शंस का नाम है सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर आपके पेज पर एक से अधिक ऑब्जेक्ट है, अगर आप ये चाहते हैं एक ही क्लिक करने से सारा का सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शंस को इनेबल करना होगा। इनेबल कहाँ से करेंगे, आप जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ मिल जाएगा आपको मोर कमांड। मोर कमांड में जाने के बाद आपको जाना है पॉपुलर कमांड, और यहाँ पे कर देना है आल कमांड। आल कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाएंगे।
मुझे क्या ढूंढना है, सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो आपको सेलेक्ट मतलब एस से ढूंढना है, तो सबसे नीचे ले जाइएगा, ऐसे ट्रैक करेगा, सबसे नीचे मिल जाएगा आपको सेलेक्ट। तो अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद आएगा सेलेक्ट, सॉरी, अरे यस, सेलेक्ट 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 मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे, ऑटोमेटिक सारा ऑब्जेक्ट का एक बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पे ना पूरा आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सेलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ओके कर देंगे, तो पूरा का पूरा एरिया आपका हो गया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना कहाँ पे है, फॉर्मेट मेन्यू में, और यहाँ मिल जाएगा अनग्रुप, ऐसे अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देखिएगा इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब हम टाइप करेंगे, देखिएगा यहाँ से इस तरीके से टाइपिंग करेंगे ना, तो टाइपिंग तो पूरा होगा लेकिन ये दूसरे लाइन पे नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को हम लिंक करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए एक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और यहाँ मिल जाएगा क्रिएट लिंक, आपको क्रिएट लिंक पे क्लिक कर लेना है और दूसरे पे ऐसे क्लिक कर देना है। अभी लिंक हो गया, ठीक। फिर आपको इसे सेलेक्ट करना है, फिर क्रिएट लिंक और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सेलेक्ट करना है, एक एक करके ऐसे हम सबको लिंक कर देंगे। ऐसे लिंक करने के बाद फिर सेलेक्ट करना है ऐसे, फिर ऐड लिंक, उसके बाद फिर सिलेक्शन, क्रिएट लिंक, लिंक, ठीक है। इस तरीके जितने भी आपके पास लिंक रहेंगे सबको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को लिंक से जोड़ देंगे। देखिए ऐसे टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्शन, क्रिएट लिंक और दूसरे को जोड़ना, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जैसे हम एक क्रिएट लिंक से दूसरे लिंक पे जाएंगे ऑटोमेटिक ये पहुंचा देगा हमें। देखिए कैसे होगा, फिलहाल देखिएगा अभी सिलेक्शन, उसके बाद फिर क्रिएट, फिर सेलेक्ट, उसके बाद क्रिएट लिंक। इस तरीके से हम सबको ऐसे लिंक से जोड़ देंगे। इतना लिंक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर आप सिलेक्शन ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है, किसको, टेक्स्ट बॉक्स को। तो देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शो करेगा, टेक्स्ट बॉक्स वन, फिर देखिए इस तरीके से शो करेगा। बस टेक्स्ट बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट वन ले, टेक्स्ट बॉक्स को आपको सेलेक्ट करना है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा है उसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से एक भी टेक्स्ट बॉक्स छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही ध्यान से आपको टेक्स्ट बॉक्स को ही सेलेक्ट करना है, अन्यथा और किसी को नहीं, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट बॉक्स देखिएगा सब लिखा हुआ। इतना करने के बाद ना आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपका टेक्स्ट बॉक्स ही सेलेक्ट होगा सिर्फ, देखिएगा इस तरीके से सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स आपके सिलेक्ट हो गए, लेकिन इसमें एक नहीं सिलेक्ट हुआ, कोई बात नहीं, हम सेट को होल्ड करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट मेन्यू में, और यहाँ मिल जाएगा सैप्स फील, आपको यहाँ कर देना है नो फील, ठीक। इसका आउटलाइन मुझे रिमूव करना है, नहीं फील चाहिए, तो यहाँ कर देना है सैप्स आउटलाइन नो फील, देखिएगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे मेटा टाइप करना है, तो मेटा टाइप करने के लिए आपको होम टैब पे जाना है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टाइल है मुझे चाहिए, तो हमने फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया यहाँ से, और अब देखिएगा जैसे ही हम यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे, ये देखिएगा, देखिए ऑटोमेटिक दूसरे लाइन पे चला गया, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे ऑटोमेटिक के दूसरे लाइन पे आपको ट्रांसफर करता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना टेक्स्ट बॉक्स, तो हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, चार लाइन कैसे बनाना मैंने फेड कर दिया। अब यहाँ मुझे एक सैप्स चाहिए, तो सैप्स लेने के लिए इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ मिल जाएगा सैप्स, और सैप्स को ट्रैक कर लेना इस तरीके से।
ड्रैग करने के बाद अब मुझे यहाँ पे लिखना है मैटर टेक्स्ट, राइट के बटन दबाएंगे और कर देंगे ऐड टेक्स्ट, और यहाँ टाइप करेंगे स्टूडेंट नेम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसे टेस्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे रोल नंबर, फिर टेस्ट, फिर पेज नंबर, फिर टेस्ट। कंट्रोल ए करेंगे आप, होम टैब पे जाएंगे और यहाँ मिल जाएगा लाइन स्पेसिंग, इसे कर देंगे आप 0.1.0 बस। अगर आप इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे आप सेप्स आउटलाइन कोई का कोई कलर, साइज इसकी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, और अगर इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इफेक्ट भी दे सकते हैं इस तरीके से। देखिएगा आपकी आउट फोर लाइन नोट तैयार हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे हमारे पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए जो नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।